लेकिन उसमें यह दिखाई दिया कि कहीं ना कहीं जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी चल रही थी वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। ऐसा लग रहा था कि अभी दो पार्टियों के बीच में तो फिर कहा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, तनातनी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन बयानबाजी कहां एक दूसरे के खिलाफ हुई है? तनातनी कम हो जाएगी कम से कम। अभी उस दिन के बाद आज तक कहां तनातनी हुई है? इसके आगे होने, इसके आगे भी आप उम्मीद करते हैं कि दोनों ओर पर निर्भर करता है, जैसे मैं हूं वैसे वो भी है। लेकिन बात तो वही चल रही है, अभी भी आप ही के मुद्दे आपका कहना है कि उठाकर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो वो बदलाव उसमें आया होगा कि नहीं, ये इनका कहना सही था तो वो शायद उसी का ये भी कारण होगा कि वो हमारी राह पर चलना उन्होंने पसंद किया होगा। वो तो बात उसके बाद ही हुई है। कई सालों बाद आपकी मुलाकात हुई थी जब वो आपको मिलने आए थे, और एक ये कह सकते हैं कि भाई आपके पास आए, उन्होंने आपसे बात की, आपकी तबीयत की जानकारी ली, आपके साथ में वो उस वक्त रहे, किस तरीके का आपको ये लगा उसमें? आप दोनों राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, दोनों महाराष्ट्र के एक बड़े नेताओं के तौर पर आप माने जाते हैं, आपको किस तरीके से महसूस हुआ उसमें? अच्छा लगा, आनंद हुआ, और जैसे हम पहले गपशप करते थे वैसे हमारी बातचीत हुई। क्या इसमें कुछ और हमको रीड करने की जरूरत है आपको लगता है? कोई जरूरत नहीं है, और एक राजनीतिक जीवन होता है वो है, और जो हमारा रिश्ता था रिश्ता है, उस रिश्ते के माध्यम से जो भी कुछ बात हुई वो हुई, और उसी रिश्ते के कारण वो वहां पे आए मुझे देखने के लिए। एक संपर्क आपके बीच में शुरू होगा कम से कम पिछले 5-6 साल में। देखो, अगर दो कोई दिल से नजदीक आते हैं उसमें तो खुशी की बात है, और वो खुशी की बात शायद हम दोनों के लिए होगी, लेकिन हमारे जो विरोधी है उनके लिए दुख की बात हो सकती है। रूपिना कुंडे ने कहा कि 2014 में आपको शिवसेना, एमएनएस और बीजेपी एक साथ दिखाई देगी। पता नहीं गोपीनाथ जी ने ज्योतिष कहने का और कुछ शुरू किया, जो उस वक्त उन्होंने देखा उसके बाद उनको लगा कि शायद ये हो सकता है, कम से कम ये संपर्क। और भी मैं कुछ पूछूंगा, अगर वो कुछ कहते हैं ऐसी बातें तो मैं और कुछ पूछूंगा। 2014 में मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सारी बातें उनको पूछूंगा मैं। नहीं लेकिन क्या ये हम मान सकते हैं बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? नहीं, अभी भी आप नेता की तरह जवाब दे रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि जो संपर्क शुरू हुआ है उसका कुछ आगे फायदा होगा या क्या? नहीं देखो, फायदा हो या नुकसान हो ये ऐसी कोई पर्सनल बात नहीं होगी, राजनीतिक बात करें तो वो तो सबके सामने होने वाली है। अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव और मुझे ऐसे कुछ छुपाने की आदत नहीं है और छुपाने की जरूरत नहीं है, और ना ही अगर कुछ होगा तो मैं छुपा सकता हूं क्योंकि वो तो सबके सामने बात आएगी। नहीं लेकिन क्या तो इस तरीके के प्रस्ताव पर भविष्य नहीं कह सकता कि ऐसे ही होगा ऐसे नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि अब दो पार्टी अलग है, दो पार्टियों के ऊपर ही निर्भर करेगा। मेरी ओर से तो मैंने अभी इसके बाद भी और जब उसके पहले भी बिना वजह मैंने कुछ कभी किसी की आलोचना नहीं की। दोनों पार्टियां बनी तब से मैंने देखा है, जितनी चुनाव हुए उसके बाद में, अगर चुनाव जो ऐसा लग रहा था कि एमएनएस बनाम शिवसेना, महानगर पालिका में भी एक दूसरे पर वार किए गए, उसके पहले विधानसभा के वक्त भी एक दूसरे पर वार, फाइनली लोगों ने शिवसेना को चुना जी, लेकिन इसके आगे क्या हम ये मान सकते हैं? आगे के लिए 2 साल तो रुकना होगा और गोपीनाथ जी को पूछना होगा। इस प्रस्ताव के लिए क्या खुले दिल से तैयार रहेंगे? देखो ये हवा में बातें करना पसंद, राजनीतिक तौर पर पूछ रहे हैं नहीं, ये जब बातें आएगी सामने फिर बातचीत होगी फिर देखा जाएगा। लेकिन प्रस्ताव कैसे कहूं कि मैं कैसे प्रस्ताव दू, या मैं कैसे कहूं कि जब तक प्रस्ताव नहीं आए हैं तब तक मैं कैसे कह सकता हूं उसके ऊपर? चलिए मैं आपको ये पूछ लेता हूं, शिवसेना बीजेपी गठबंधन में तीसरे पार्टनर की आपको जरूरत लगती है? आरपीआई है ना, चौथे पार्टनर की जरूरत लगती है? नहीं, सिर्फ पार्टनर बढ़ाने से आपकी ताकत बढ़ती है मानने वाला मैं नहीं हूं, अपने आप में ताकत होनी चाहिए, और जो मैं मानता हूं कि शिवसेना में है। तो मतलब ये कि अगर आपकी विचारधारा की पार्टी कोई अगर आपके साथ आना आकर, और वो विचारधारा के लिए जैसे बीजेपी और हम जब साथ में आए तो मैंने कई बार कहा है कि उस वक्त पूरे देश के राजनीति में राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो बीजेपी और हम दोनों अछूत थे किसी और पार्टी के लिए। हम दोनों पार्टियां ऐसी हैं कि जो हिंदुत्व की विचारधारा के ऊपर हम एक आए, तब किसी के मन में सपना भी नहीं था कि प्रधानमंत्री हमारा बन सकता है, हमारे हाथ में महाराष्ट्र की पावर आ सकती है, नहीं सोचा था कभी। विचारधारा एक थी, हम साथ आए हैं। राज और उद्धव ठाकरे क्या एक दूसरे के साथ एक बार फिर उनका संपर्क शुरू हो चुका है, और क्या यह संपर्क एक राजनीतिक गठबंधन में बदल सकता है? संपर्क जब मैं हॉस्पिटल में था तब राज स्वयं मुझे देखने के लिए आए, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं उनका कुछ दुश्वास करता हूं या ऐसी कोई बात नहीं है। आए बाद में वो भी थोड़े बीमार थे, लेकिन बाला साहब भी बीमार थे, थोड़ा एक पूरा परिवार हमारा, मैं बाला साहब राज थोड़े से पता नहीं क्या हुआ था हमारे, और फिर संपर्क थोड़ा सा ढीला पड़ गया है अभी।
राजनीतिक जो माहौल है वो गर्माने लगा है राजनीतिक बाजू में, लेकिन ये जो आपत्ति हुई 11 तारीख को बहुत ही गंभीर है। और मैं मानता हूं हम सब लोग का एक कर्तव्य है कि हमारे बीच में क्या होता है वो बात छोड़ो, हम देख लेंगे क्या करना है। नहीं नहीं उस पर भी सबका ध्यान लगा हुआ। नहीं 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 मैं ऐसे नहीं कहता, ध्यान होगा वो बात अलग है, क्योंकि एक बाला साहब ने ठाकरे नाम का जो एक करिश्मा वो है, और मैं अपने आप को, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस घर में मेरा जन्म हुआ। हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, वो लोगों के सामने बात आएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, गंभीर बात यही है कि जो बाला साहब ने बार बार जो कहा है, उस वक्त शायद आपने हो या और किसी ने हो उनकी आलोचना की, लेकिन वो सारी बातें अब अपने नजर के सामने सच्चाई में बदलते हुए आपको दिखाई देने लगी है। तो सब लोग जागो, इकट्ठा हो, सिर्फ एक एक आशा जी हो या ऐसे करके नहीं होगा, करना है सब मिलकर करो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।